स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो आज हम लेकर आए हैं 12th केमिस्ट्री का 20 ऐसे क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम बात करने वाले हैं कितना, तो टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। तो है क्या है कि केमिस्ट्री का जो है सो ये वीडियो नंबर 5 यानी क्या है कि ये सेट नंबर 5 है। इससे पहले क्या है कि हम सेट 1, सेट 2, सेट 3 एवं सेट 4 ये चारों वीडियो जो है सो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। यदि आप लोग अभी तक ये चारों वीडियो नहीं देखे हैं तो क्या कीजिए, आप लोग हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, या नहीं तो फिर हम इस चारों वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो आइए उससे पहले हम आज बात करते हैं कि सेट 5 में क्या है। तो सेट 5 में क्या है, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो क्या है सारा इंपॉर्टेंट है। तो आइए आज हम बात करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि ये केमिस्ट्री का क्या है पांचवा वीडियो है। इससे क्या हुआ कि टोटल आपको हम 100 यानी क्या कि टोटल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए ये पांचों वीडियो में। तो यदि आप लोग ये पांचों वीडियो देख कर जाते हैं एग्जाम देने के लिए तो मेक श्योर कि आपको ये पांचों वीडियो से तो 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। यानी क्या कि आपके बोर्ड एग्जाम में ये पांचों वीडियो से जो क्वेश्चन है वो 50% आपको जरूर ही मिल जाएगा। इसलिए आप लोग क्या कीजिए कि ये सेट का जितना भी पांच वीडियो है वो सारा आप लोग देख लीजिए। तो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी के किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम हो तो डाउटनेट ऐप पर पाइए उसका वीडियो सॉल्यूशन। बस आपको डाउटनेट ऐप ओपन करनी है और जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो उस क्वेश्चन को क्रॉप करनी है और वीडियो सॉल्यूशन आपको 2 सेकंड में मिल जाएगी। ऐप डाउनलोड करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आइए यहाँ पे हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि हाउ मेनी एटम्स आर इन एफसीसी लैटिस, यानी क्या कि एफसीसी एक जालक में कितने परमाणु होते हैं। अब यहाँ पे एफसीसी का मतलब क्या हो गया कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक, ये इसमें कितने जालक परमाणु होते हैं ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4, यानी एफसीसी में कितने एटम लैटिस पे होते हैं तो 4 होते हैं। तो आइए अब हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या है कि 96,500 कूलम इलेक्ट्रिक करंट रिलीज CuSO4 सॉल्यूशन, यानी क्या कि जब हम क्या करते हैं कि 96,500 कूलम विद्युत धारा CuSO4 के घोल में मुक्त करते हैं तो ये कितना ग्राम Cu यानी क्या कि ये कॉपर कितना ग्राम मुक्त करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 31.75 ग्राम Cu, यानी क्या कि 31.75 ग्राम कॉपर क्या करता है, रिलीज करता है। तो अब थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि यूनिट ऑफ फेराडे इज, तो फेराडे की इकाई क्या होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाए, कूलम पर मोल क्या होता है तो फेराडे की इकाई होती है। तो अब हम फोर नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या है कि सोडियम इन हुच मेंबर ऑफ ग्रुप इज द पीरियोडिक टेबल, यानी क्या कि सोडियम जो है सो आवर्त सारणी में किस ग्रुप का सदस्य है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्रुप फर्स्ट का, यानी ग्रुप फर्स्ट का क्या है, सोडियम है, किसमें तो आवर्त सारणी में। तो ये सारा क्वेश्चन जो है सो क्या है आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए क्या कीजिए कि आप लोग ये सारा क्वेश्चन या तो फिर याद कर लीजिए, नहीं तो फिर कॉपी पे लिख लीजिए। तो आइए हम 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इससे पहले यदि आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें एवं इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि क्या हो हमारे नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए अब हम 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या है, मोस्ट एवर्डेंट मेटल फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, यानी क्या कि कौन सी धातु भूपृष्ठ में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम, यानी एल्युमिनियम क्या होता है कि भूपृष्ठ में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब हम 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या है कि व्हाट आर द वैलेंसीज ऑफ कार्बन, यानी क्या कि कार्बन की जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4, यानी क्या है कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है तो 4 होती है। अब हम 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या पूछा है, द पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड इज, यानी क्या कि रक्त का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि इसका जैसे अगर आपको पूछ दे कि 7.5 भी होता है या जनरली इसका 7.2 से 7.5 के बीच क्या होता है, रक्त का पीएच मान होता है। तो अब आइए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या पूछा है कि ड्रग्स डेट वर्क टू रिलीव पेन नॉन एज, यहाँ पर क्या होगा कि रिलीफ होगा
तो ऐसा औषध कौन सा है जो दर्द निवारण का कार्य करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं। यानी क्या कि वो औषध जो क्या करती है, दर्द निवारण का कार्य करती है, तो उस औषध को हम क्या कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पीराहारे या तो फिर एनल्जेसिक या पेन किलर भी कहते हैं। तो आइए अब हम 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या है कि हु डिस्कवर DNA, यानी क्या कि DNA की खोज किसने की थी। तो यहाँ पे DNA का फुल फॉर्म क्या होता है कि डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो इसका खोज किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा वाटसन एवं क्रिक ने। तो DNA का खोज किसने किया था, तो वाटसन एवं क्रिक ने। तो अब हम 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या पूछा है, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एफ ई इन के फोर एफ ई सी एन का होल सिक्स इज। यानी क्या कि के फोर एफ ई सी एन सिक्स में एफ ई का जो प्रसंस्करण होगा वो कितना हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी टू एस पी थ्री। इसमें एफ ई का प्रसंस्करण कितना हो जाएगा, तो डी टू एस पी थ्री हो जाएगा। तो आइए अब हम 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या है, द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट इज। ग्रेफाइट की जो संरचना होती है वो कैसी होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हेक्सागोनल। ग्रेफाइट की कैसी संरचना होती है, तो हेक्सागोनल संरचना होती है। अब 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या है, मोस्ट प्रेजेंट इन CNG, यानी क्या कि CNG में जो मुख्य रूप से कौन सा केमिकल पाया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि मीथेन। CNG में मोस्ट रूप में कैसा कौन पाया जाता है, तो मीथेन पाया जाता है। अब 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, गिव द फार्मूला ऑफ ग्रीन विट्रोल, यानी क्या है कि हरा थोथा जो है उसका फार्मूला क्या होता है। ये क्या है, इसका क्या हो जाता है, FeSO4 × 7H2O। ये क्या हो गया, हरा थोथा का केमिकल फार्मूला हो गया। अब हम 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या है, द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर जीरो ऑर्डर इज। यानी क्या कि किसी भी शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर क्या होती है, तो इसका क्या हो जाएगा, निश्चित होते हैं, यानी क्या कि फिक्स्ड। अब पूछेगा कि जो शून्य कोटि की जो अभिक्रिया की दर होती है वो कैसी होती है, अनिश्चित होती है या तो फिर निश्चित होती है या नॉट डिटरमाइंड। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिफिनिट, यानी क्या कि निश्चित होती है। जीरो ऑर्डर की अभिक्रिया की दर क्या होती है, निश्चित होती है। तो अब हम 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या है, व्हाट इज द इंटरमोलिकुलर फोर्स इन नायलॉन 6-6। यानी क्या कि नायलॉन 6-6 में कौन सा अंतर आणविक बल होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एच बॉन्ड। यानी क्या कि नायलॉन 6-6 में कौन सा अंतर आणविक बल होता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। अब 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या पूछा है कि व्हाट इज द कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंथेनाइड्स। यानी क्या कि लैंथेनाइड्स का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो कैसा होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, XE। यानी क्या कि ज़ेनन, और ये क्या हो गया N-1, F कितना हो जाएगा, F1 से 14 तक भेरिज करेगा, और N-1 D1NS2, यही क्या हो गया, लैंथेनाइड्स का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। तो अब हम 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या है कि व्हाट इज एल्युमिनियम ओर, यानी क्या कि एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बॉक्साइट। अब पूछेगा कि बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम का अयस्क है। तो अब हम 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द शेप ऑफ एस ऑर्बिटल इज, यानी क्या कि एस ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गोलीय, यानी क्या कि स्फेरिकल होता है। यहीं पे पूछेगा कि डी ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है, तो इसका कैसा होता है, तो डम्बल बेल होता है। अब 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या है कि सेकेंडरी सेल इज, यानी क्या कि द्वितीयक सेल किस बैटरी को कहते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लेड स्टोरेज बैटरी। यानी क्या कि लेड स्टोरेज बैटरी को हम क्या कहते हैं, द्वितीयक सेल कहते हैं, सेकेंडरी सेल कहते हैं। तो अब हम लास्ट एवं 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या है कि द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ BCC सेल इज, यानी क्या कि BCC एकल सेल में जो संकुलन क्षमता होती है वो कितना होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 68%। यानी क्या कि पैकिंग फ्रैक्शन BCC सेल में कितना होता है, तो 68% होता है। तो अब हम सारा क्वेश्चन देख लिए। अब यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर, तथा हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि क्या हो, हमारे नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।